गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। गोरखपुर में 10 और फूलपुर में 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर सीट खाली हुई थी, गोरखपुर लोकसभा सीट मुख्यमंत्री योगी के इस्तीफे के बाद खाली हुई। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के बाद फूलपुर लोकसभा सीट खाली हुई है। फूलपुर में जहां 838 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो गई है, वहीं फूलपुर में 19,63,543 मतदाता वोटिंग करेंगे। गोरखपुर में 970 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। गोरखपुर में 19,49,178 मतदाता वोटिंग करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो गोरखपुर में 64 लोकसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। अपनी अपनी बारी के इंतजार में लोग लाइनों में लगने शुरू हो गए हैं। गोरखपुर के 5 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, तो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग। अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। गोरखपुर में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना मतदान दिया है। वहीं हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे ने जायजा लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। 64 लोकसभा उपचुनाव का मतदान शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं मतदाता कतारबद्ध तरीके से खड़े हो गए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। साथ ही साथ आइए मतदाताओं से ही जानते हैं कि आखिरकार क्या उम्मीद लेकर के आए। अपना मत देने के लिए आए। अपना मत देने के लिए आए। सुबह सुबह मतदान फिर जलपान। हाँ, सही चीज। हाँ, यही है ना। क्या आपको लेकर के आए हैं? क्या आपको वोट डालने आए हैं? यहाँ पे वोट डालेंगे। वोट डालेंगे जी। वोट डालने के लिए आए जी। यानी जागरूकता है वोट डालने जी जी। अभी आपने देखा कि जो मतदान करने आए हैं उनका मानना है कि पहले मतदान कर लेंगे, उसके बाद ही कोई काम हम करेंगे। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। तो गोरखपुर में चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लाइनों में लग चुके हैं, और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट दिया है। लोगों को जागरूक भी किया है, संदेश दिया है कि सभी लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। विकास और सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है, और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस मंत्र को पूरे देश ने स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 और 2017 में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और सुशासन के मंत्र को अंगीकार किया है। वंशवाद और जातिवाद की भ्रष्ट राजनीति को, अराजकता और जंगल राज की स्थिति पैदा करने वाली राजनीति को पूरी तरह नकारा है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर में आज उपचुनाव हो रहे हैं। मुझे पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मेरा विश्वास है कि अगर पहला मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है तो दोनों संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इन दोनों उपचुनावों को जीतेगी। उधर फूलपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 838 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। सुरक्षा के लिहाज से करीब 12,000 सुरक्षाकर्मी यहां तैनात किए गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस कदर यहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 90% पोलिंग बूथ पर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा के लिए 10 SP, 15 DSP, 35 इंस्पेक्टर भी तैनात किए गए हैं। तो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कड़े इंतजाम, व्यापक इंतजाम यहां पर किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 838 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है।
करीब 12,000 सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए उसको देखते हुए यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। निर्वाचन होना है लोकसभा फूलपुर के लिए, उसके लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। लगभग 12,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई है, जिनमें 10 एडिशनल एसपी और 15 डिप्टी एसपी हैं, 35 सब इंस्पेक्टर हैं, 35 इंस्पेक्टर हैं और 650 सब इंस्पेक्टर हैं। लगभग 4200 सिविल पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं, 5200 होमगार्ड्स हैं, 30 कंपनी पैरामिलिट्री है और 2 कंपनी पीएससी का व्यवस्थापन किया गया है और हर तरह का इंतजाम किया गया है कि हर 10 से 15 मिनट के बीच में कोई न कोई मोबाइल पार्टी लगातार केंद्रों पर पहुंचती रहेगी और हमारे गश्ती अफसर्स भी लगातार मोबाइल रहेंगे। सुरक्षा के इस तरह से पर्याप्त इंतजाम किए गए। फूलपुर से संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, कितनी हलचल शुरू हो गई क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करना यहां पर शुरू कर दिया है 7 बजे से ही, आप देख सकते हैं। लेकिन सुबह का वक्त है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लोग जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो जरूर यहां पर आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहां सबसे पहले जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया था उनसे हमने बात की थी और उन्होंने वहीं उसी पोलिंग स्टेशन उसी पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां पर कुछ देर में उप मुख्यमंत्री यानी जो पहले सांसद थे यहां पर केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। निश्चित तौर पर एक बात बिल्कुल साफ है कि फूलपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो हमेशा से एक ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ, जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सीट से चुनाव लड़े थे और उसके बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तब से ही ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ समीकरणों की जहां तक बात की जाए उससे भी सीधी जुड़ी हुई सीट है। पूर्वांचल की शुरुआत संगम नगरी से होती है और संगम नगरी की उस महत्वपूर्ण सीट में कई बार बड़े चमत्कारी रिजल्ट भी देखने को मिले हैं, कई बार उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। और जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपनी जीत हासिल की थी उसके बाद देश में भी कहीं ना कहीं परचम लहराता हुआ दिखा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से, खासतौर पर पूर्वांचल से जहां से शुरुआत होती है वहां से सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। तो निश्चित तौर पर एक बात बिल्कुल साफ थी कि जो असर है वो देखने को मिल रहा था और कहीं ना कहीं ये जो बाई इलेक्शन है ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए और शायद यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ रैलियों के दौर हो या फिर तीनों अन्य राजनीतिक दलों की बात की जाए, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की और बसपा की, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस रेस में सामने से खड़े होकर उतना ही जवाब दे पाए। और निश्चित तौर पर ये चुनाव के जो नतीजे होंगे, बाई इलेक्शन के जो नतीजे होंगे, वो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल तय करेंगे कि आखिर जनता का रुझान किस तरफ है और शायद यही वजह है कि हर तरह की ताकत लगाते हुए दिखे हैं, हर तरह के समीकरण सामने आते। मोहम्मद कैफ ने भी वोटिंग की है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ लोगों को संदेश दिया है कि सभी बढ़ चढ़ कर। मेरे लिए तो पहला एक इतनी बड़ी दौड़ थी, मैदान पे बहुत भागा। उधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सबसे पहले वोट डाला है, साथ ही साथ ये भी कहा कि विकास और सुशासन का मंत्र हमने दिया है और उसी से हमारी जीत होगी। सबसे पहला वोट बीजेपी को मेरे द्वारा दिया गया है तो उसके बाद ये पूरी उम्मीद है कि बीजेपी को आगे भी इसी तरीके से वोट मिलेंगे। वहीं अविनाश गोरखपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, जोर शोर से प्रचार किया गया, तमाम ताबड़तोड़ रैलियां की गई, लोगों को अपने समर्थन में करने की पुरजोर कोशिश की गई और आज आखिर वो दिन आ गया है जब ईवीएम में जनता अपना फैसला कैद कर रही है, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए वंदना, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस मतदान केंद्र पर इस वक्त मैं खड़ा हूं यहां पर अब से कुछ ही देर पहले सीएम योगी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे तो सीधे तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जो गठजोड़ किया गया है वो पूरी तरीके से अनैतिक है, वो एक अवसरवादिता को दर्शाता है। हालांकि वो अपनी जीत को लेकर काफी कह सकते हैं कि आश्वस्त दिखे। तो देखा जाए तो जो गोरखपुर का जो उपचुनाव हो रहा है कई मायनों में बेहद खास है। ये सिर्फ भारतीय जनता
जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी की प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा सवाल है वंदना, क्योंकि देखा जाए तो 5 बार मुख्यमंत्री से बनने से पहले 5 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं खुद सीएम योगी। उससे पहले जो उनके गुरु थे अवैधनाथ, वो यहाँ से 3 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व संसद में कर चुके हैं। तो वैसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो उसका परफॉर्मेंस रहा है पिछले चुनाव में, उस परफॉर्मेंस को कैसे बरकरार रखा जाए। सबसे बड़ी बात वंदना ये है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला नहीं किया था, तब तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपनी जीत काफी आसान लग रही थी, क्योंकि जो यहाँ का समीकरण है, जो चुनावी समीकरण है, कुछ वैसा ही दर्शा रहा था। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ने सपा के प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि चिंता वाली बात यहाँ पर हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि खुद सीएम योगी यहाँ पर उन्होंने कई ताबड़तोड़ रैलियां की। यूपी सरकार के कई बड़े कैबिनेट जो मंत्री थे वो यहाँ पर चुनाव प्रचार में डटे रहे। तो वैसे में माना जा रहा है कि जो इस बार का चुनाव है काफी दिलचस्प है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव परिणाम होगा यहाँ का गोरखपुर का, वो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उसको भी काफी हद तक प्रभावित करेगा। क्योंकि अगर जो चुनावी समीकरण है वो बिगड़ता है, या जो सफलता, जो अपेक्षित सफलता की जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर उससे अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, तो वैसे माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जिस गठबंधन को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सकता है, तो उसकी सुगबुगाहट जो पिछले काफी समय से चल रही है, कह सकते हैं कि जो तस्वीर धुंधली सी है वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। तो कई मायनों में खास है। हालांकि अगर चुनाव की बात करें तो वंदना पहली बार गोरखपुर के सभी मतदान केंद्रों पर इस चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो मतदाता, कुछ लोगों को शिकायत है कि ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही जाती है, तो उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए यहाँ पर फूलपुर में भी सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो मतदाता जब मतदान करने यहाँ पर पहुंचे तो वो ये सुनिश्चित कर सके कि जिस प्रत्याशी को उसने वोट डाला है उसके पक्ष में वोट गया है या नहीं गया है। अगर सुरक्षा की बात करें तो पीएससी के साथ साथ यहाँ पर अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात किया गया है, कई कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। खासकर जो संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहां पर अलग से व्यवस्था की गई है, वेब कास्टिंग से नजर रखी जा रही है, कई उड़नदस्ते बनाए गए हैं। तो देखा जाए तो गोरखपुर का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, और जो इसका परिणाम जो भी होगा वो आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उनको भी काफी हद तक प्रभावित करने वाले हैं। बिल्कुल अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, अभिषेक भी अब भी हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटते हैं।